सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 8 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 8 कहता है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक दशमलव छः मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देखे होइएगा कि जब मूर्ति कहीं लगाया जाता है तो पहले एक बनाया जाता है बेस चबूतरा टाइप का इस तरह से, और इस पर एक मूर्ति लगा हुआ है 1.6। इस बिंदु से मान लीजिए, ये बिंदु मान लेते हैं पहले कि पेडेस्टल ए बी है और एम ए है मूर्ति, और सी एक बिंदु हम लिए भूमि पर जहाँ से उन्नयन कोण शिखर का 60 डिग्री और इसका पैर का जो है मूर्ति का पैर का वो है 45 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है ए बी, मान लेते हैं इसको एच, ये एच ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग देखेंगे इसका हल करने के लिए। इसमें माने हैं क्या, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, ठीक है, एच मीटर ही है एच मीटर, और ए एम हम लिए हैं 1.6 मीटर, ठीक है 1.6 मीटर, और उन्नयन कोण लिए हैं तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखिए ये कोण दिया हुआ है, ये H माने हैं और ये BC, तो आधार अगर हम निकाल लेते हैं तो इसके लिए टेन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री बराबर AB बटे BC। टेन 45 का मान एक होता है, एक बराबर AB बटे BC, यानी कि टेन पर AB बराबर हो जाएगा BC बराबर H, यानी कि ये अगर H है तो इसका भी मान H हो जाएगा। अब त्रिभुज आप ले लीजिए, त्रिभुज एम बी सी में टेन सिक्सटी बराबर हो जाएगा एम बी बटे बी सी। टेन सिक्सटी का मान होता है √3 बराबर एम बी हो जाएगा कितना, एच प्लस 1.6 बटे बी सी एच। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बनाएंगे क्या हो जाएगा, एच √3 बराबर एच प्लस 1.6, ठीक है। तो यहाँ से एच का मान हम लोग निकाल लेंगे, इससे कैसे निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एच √3 माइनस एच बराबर 1.6, यानी एच बराबर एच निकाल लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, यानी एच बराबर 1.6 बटे 3, ये नीचे भाग में आ जाएगा। अब इसका यहाँ रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, क्या करेंगे इसको √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 1.6 यहाँ √3 प्लस 1 बटे ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा 0.8 बार में, यानी √3 प्लस 1 गुना 0.8 मीटर, ये मान आएगा पेडेस्टल का h, ये जो h निकाले वही पेडेस्टल का ऊंचाई था, तो इसलिए पेडेस्टल का ऊंचाई आप यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं, या अगर इसको पूरा निकालना है मान तो √3 का मान 1.732 रख दीजिए और उसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा। हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ में f का आंसर है, रूट में छोड़ दिया या आगे बनाया है, ये इसी तरह से छोड़ दिया है, आपका मान यहीं पे छोड़ा हुआ है, यही आपका मान है, तो इस तरह से आप बनाइएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 में है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मैंने कह रहा है कि एक मीनार है इसके और एक इधर भवन है घर है, तो मीनार तो थोड़ा बड़ा होगा भवन छोटा होगा, तो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से इसके पैर के बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। ये मान लीजिए ए बी भवन है और सी डी मीनार है, कह रहा है उसके बाद, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब उल्टा इसका यहाँ से ऐसे जो है ये कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो
तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है ये 50 मीटर है तो ये ए बी ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? तो ये देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज आप इसको हम निकाल देते हैं बाहर, सी डी बी में ये 60 डिग्री दिया है और ये 50 मीटर दिया था, ये हम निकाल लेंगे। और ये जो डी बी इसके लिए वही ए बी डी में भी है, सर्वांग ये अभयनिष्ठ है, अभयनिष्ठ भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो भुजा इसमें आएगा वही इसके लिए, तब इस त्रिभुज में हम लोग 30 tan 30 का मान लगाएंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या लिख, क्या है, माना कि भवन की ऊंचाई ए बी है और मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर 50 मीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज हम लेते हैं सी डी बी में क्या लेंगे, टेन 60 बराबर सी डी बटे डी बी, तो टेन 60 बराबर √3 ना, सी डी दिया 50 बटे डी बी, तो डी बी बराबर निकल जाएगा 50 बटे √3, ये मान निकल जाएगा। अब लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में टेन 30 बराबर लेंगे ए बी बटे डी बी, ठीक है। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे डी बी, डी बी आप कितना भी निकाले थे 50√3, तो यहाँ रखेंगे 50/√3, यानी कि ये अब गुना हो जाएगा इधर जाके, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 50/√3 गुना √3 यानी 50/3 मीटर, ठीक है। ए बी बराबर हो जाएगा 50/3 मीटर, यानी कि काट के इसको छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.2/3 मीटर ए बी आ जाएगा। इसलिए इसको लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, या ये आपका उत्तर ये भी हो सकता है 16.67 मीटर, दोनों आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लगे समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। उन्हें कह रहा है क्या, ये सड़क है, मान लीजिए सी डी सड़क है, 80 मीटर चौड़ा है और इस पर इस तरह से पोल लगा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी दो समान ऊंचाई का पोल लगा हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा कि जब सड़क के दोनों ओर जो बिजली का खंभा होता है वो लंबाई उसका बराबर होता है, उसी तरह से खंभा लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब कह रहा है कि कहीं इसके एक बिंदु पे, यहाँ मान लीजिए एक बिंदु M है, M से ये पूरा सड़क का चौड़ाई 80 मीटर है, ये याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक कि सी डी बराबर 80 मीटर है, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो अब कह रहा है उस बिंदु से क्या है, कह रहा है खंभे के शिखर का उन्नयन, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। उन्हें एक खंभा यहाँ से जो है 60 डिग्री है और एक खंभा जो है 30 डिग्री है, ठीक है, इस तरह से है। खंभे की ऊंचाई, कह रहा है ये ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मान लीजिए ये ए मान लीजिए, चाहे इसको पी मान लीजिए, ये क्यू, पी सी या क्यू डी निकालने बोल रहा है, और कह रहा है कि खंभे के बीच से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ये दूरी खंभे से ये दूरी क्या होगा, इधर से ये दूरी क्या होगा। तो हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई हम क्या लिए, सी डी बराबर दिया है 80 मीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई पी सी या क्यू डी बराबर एच मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज हम चलते हैं, त्रिभुज पी सी एम में,
ये बिंदु M है, तो ये अगर इस बिंदु पर इसको अगर CM को मान लेते हैं X, तो ये 80-X हो जाएगा, ठीक है, 80-X हो जाएगा। तो अगर ये X लिए तो ये 80-X हो गया, तो इसको मान ले कि इसमें अगर हम लोग डाल देंगे H निकाल के, दोनों का H निकाल के बराबर कर देते हैं, तो X का मान निकल जाएगा और H भी निकल जाएगा। तो त्रिभुज PCM में हम क्या किए, tan 60 बराबर हो जाएगा PC बटे CM, tan 60 मान रूट तीन बराबर हो जाएगा H बटे X, यानी H बराबर रूट तीन एक्स। ये एक समीकरण यहाँ पे आया। इसी तरह हम क्या करेंगे, त्रिभुज QDM में, QDM में tan 30 बराबर ले लेते हैं QD बटे MD, tan 30 का मान 1/√3 बराबर H बटे MD आपका 80-X, यानी H बराबर हो जाएगा 80-X बटे रूट तीन। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो ये दोनों H का ही मान है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण एक और दो से क्या लिखेंगे, रूट तीन एक्स बराबर 80-X बटे रूट तीन। इससे इसको गुना करिएगा तो 3X, ये इधर से उठा कर लाइएगा तो प्लस एक्स बराबर 80, यानी 4X बराबर 80, ठीक है। तो X का मान हो जाएगा 80/4, यानी 20 मीटर, ठीक है। यानी कि खंभे से इसकी दूरी एक तरफ से 20 मीटर और दूसरे तरफ से 60 मीटर हो जाएगा। X बराबर आया 20 मीटर, तो 80-20 जो हो जाएगा वो 60 मीटर हो जाएगा। तो खंभे की बीच की दूरी तो निकल गई, अब H निकालने के लिए क्या करेंगे, तो H बराबर खंभे की ऊंचाई रूट तीन गुना एक्स का मान 20 रख देते हैं समीकरण एक में। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, समीकरण एक से H बराबर रूट तीन एक्स, यानी 20√3 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई हो जाएगा 20√3x और बिंदु की दूरी बराबर हो जाएगा एक खंभे से 20 मीटर या दूसरे से 60 मीटर। तो इस तरह से आप सवाल को बनाइएगा। ये H निकल गया, यहाँ किसी भी दोनों समीकरण में किसी में अगर X का मान रख दीजिएगा तो H का मान निकल जाएगा ऊंचाई खंभे का, और ये X निकाल लिए तो इधर से 80-X, ये 20 मीटर आया इधर से, यानी एक खंभा से अगर 20 मीटर की दूरी पर है तो दूसरे खंभा से ये 60 मीटर की दूरी पर बिंदु होगा। तो इस तरह से हमने आज आपको इस वीडियो में 3 प्रश्न 8, 9 और 10 बतलाया। आप इसको घर में बैठ के आराम से बनाइए, कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए सभी को धन्यवाद।